हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ नया रिक्रूटमेंट लेके। टाटा स्टील कंपनी की तरफ से ऑफिशियली रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आज इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ, किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ। अगर आप लोग भी एप्लीकेशन करना चाहते हो, डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। एक एक जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। टाटा स्टील कंपनी के अंदर 12,000 कुल जो ऑफिशियली रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आया है इसमें, तो जहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन करने के लिए 10th और 12th पास करके आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। तो एप्लीकेशन करने के लिए सारे अपडेट यहाँ पे मिल जाएगा, और ऑल ओवर इंडिया में जॉब वैकेंसीज है। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन करने के लिए सारे अपडेट भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। एक एक जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, यहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हो। टाटा स्टील में इस बार की ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें आप लोग एप्लीकेशन करने के लिए आप लोगों को सारे जानकारी भी यहाँ पे मिल गया है। आप लोगों को उसका भी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लोग फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो। दोस्तों, ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसका डिटेल मैं आपको बताऊँगा। चलिए देख लेते आज की पूरा डिटेल्स। दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो, टाटा स्टील की ऑफिशियल वेबसाइट में मैंने ओपन कर चुका हूँ, जहाँ पे सारे अपडेट यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को सारे जानकारी देने वाला हो, अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो। तो यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए एक एक जानकारी देने वाला हो, किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, डेफिनेटली पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों को सारे जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए और भी बहुत सारे अपडेट निकल के आया है, उसका डिटेल मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, ऑल ओवर इंडिया में टाटा स्टील के अंदर रजिस्ट्रार की पोस्ट है जजपुर में। इसके साथ साथ मैनेजर इंडस्ट्रियल हाइजीन में पोस्ट है, मैनेजर एचआरएल के लिए पोस्ट है। इन सारे पोस्ट रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। मैनेजर असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पे निकल के आया है, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। इसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल की पोस्ट निकल के आया है, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए आप लोगों को बार बार मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, यहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप लोग देख लिया कि बहुत सारे पोस्ट जो है टाटा स्टील की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें अपडेट किया गया है, एंड वहाँ से आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। टाटा स्टील के इस बार बहुत सारे वैकेंसीज लेके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अप्रॉक्स 30,000 आपको सैलरी एंड ऑल ओवर इंडिया में जॉब लोकेशन रहने वाले, जिसमें कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते। जहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए आप लोगों को एप्लीकेशन कर सकते हो। इसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया हुआ है टाटा स्टील के अंदर, एज क्राइटेरिया 18 से 56 ईयर्स तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको एज रिडक्शन मिल जाएगा। एप्लीकेशन करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, एप्लीकेशन करने के लिए आपको एज रिडक्शन मिलेगा एज़ पर द गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। SC ST वालों को मिलेगा 5 ईयर्स, एंड OBC वालों को आपको मिलेगा 3 ईयर्स तक की एज रिडक्शन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात किया जाए, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही लेके आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे कुछ इस तरह से रखा गया है, एंड इंटरव्यू प्रोसेस जो रखा गया वो है सिलेक्शन प्रोसेस जो रखा गया वो है इंटरव्यू। तो अगर आप इंटरव्यू में क्वालिफाई करते हो, तो डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको जॉब वैकेंसी मिल जाएगा।
टाटा स्टील के अंदर अगर आपको जॉब करना है तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हो। ओनली इंटरव्यू के ऊपर बेस करके सिलेक्शन किया जाएगा। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन में करना होगा, इसीलिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा, जैसे आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट,